जितने भी लोग यहाँ पर यंगस्टर बैठे हैं, मैं उनको एक अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। फाइव में रहेंगे अगर मान, जिंदगी में कभी भी कंप्लेन मत करना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, टेक 100%। आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप जिम्मेदार हैं, बुरा हो तो आप। ब्लेमिंग पॉलिसी ने बहुत सारे हिंदुस्तान में गुल लगा दिया है, दीमक की तरह खा जाती है उनको जो ब्लेमिंग फिलॉसफी में चले जाते हैं। आप मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से मिलिए, 90% लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाबी का ठिकरा किसी और के सर पर। हम पैसा नहीं कमा पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये कारण है। फिर आपसे कह रहा हूं, आप फायदे में रहेंगे अगर आप ये सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड्स सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है, नॉट बिकॉज ऑफ सीड्स, सॉइल, सैंड, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी यू पुट इन। तो नेवर इन योर लाइफ कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे ऊपर लाइट जल रही है कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया। ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सुरेश से पूछा रे भाई इतनी देर होगी किसी जगह है, चाबी कहाँ खोई थी? तो उसने बोला कमरे के अंदर। बोला कमरे में? घर में? तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। बोला घर में लाइट नहीं है यहाँ का क्या? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी ही तलाशी लेनी है, अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर रहे हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। याद रखिएगा जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ना कामयाब है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। सब कुछ इनबिल्ट है दोस्त। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं यंगस्टर 20-25 साल के दोस्त मेरे, कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना। आप ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्रेक करते हैं तब आप खुद पर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ, यही ठीक करें। और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब हुआ। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबल।